रस जो है वो बरे सगीर की एक कदीम एस्थेटिक थ्योरी का हिस्सा है और दरअसल तमाम उलूम की तरह मौसीकी भी एक इल्म होने के नाते इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है हकीकत को पाना। आर्ट की कम्युनिकेशन में जो एस्थेटिक एक्सपीरियंस होता है उसको आप रस कहते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं है। एस्थेटिक एक्सपीरियंस आपको बहुत सारी चीज़ों में होता है। रस जो है वो एक स्पेसिफिक एस्थेटिक एक्सपीरियंस की बात करता है, ऐसा एक्सपीरियंस जो आपकी रोज़मर्रा की इमोशनल एक्सपीरियंस से बहुत डिफरेंट है और वो इंटेलेक्चुअली कंडीशनड एक्सपीरियंस है। वो इस तरह का एक्सपीरियंस है जिसमें सोच की, फ़िक्र की आमेजिश है, जो आपके एहसासात की ज़ुबान है और वो ऑडियंस के जहन में इस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है कि वो उनको एलिवेट करे एट द लेवल ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, कंटेम्प्रेरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस। और उसका कुछ इस तरह का मेयार नहीं है कि जो आज से 3000 साल पहले रस प्रोड्यूस होता था आज भी आपने वही रस प्रोड्यूस करना है। उसका मेयार सिर्फ ये है कि जो आपके वक्त में, जो आपका वक्त आपको अलाउ करता है, जिस हद तक सेंसिटिविटी, उस सेंसिटिविटी का एक्सप्रेशन उसमें आना चाहिए। वो सेंसिटिव एस्थेटिक एक्सपीरियंस जो आपको अपलिफ्ट करे आपकी जनरल टेस्ट को और आपकी एस्थेटिक सेंस को, उसे मेरे ख्याल में आप रस कहें। म्यूज़िक की जो तरक्की है, नश्वनुमा है और उसका जो इर्तका है हमारे रिवायत में, वो इसी तरह से हुआ है कि जो रस है और जो उसकी तासीर है उसको बहुत अहमियत दी गई है और उसके बाद जो है वो बाकी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से बना कि वो उसी रस को और उसी रंग को और उसी तासुर को जो है उसको वो तकवीत पहुंचाए। रस को क्रिएट करने के लिए बहुत रियाजत भी दरकार है और यू हैव टू पुट योर सोल इनटू इट। और जिस तरीके से कहते हैं कि वेयर योर हैंड गोज द आई मस्ट फॉलो, where the eye goes the heart must follow and where the heart goes the soul must follow। तरीका कार यह था कि एक सलीका उसका था, एक तो आप जो वो राग था वो मुख्तलिफ लय में मुख्तलिफ तरीके से आप उसको देखते थे और एक तासुर उसका जो था वो आप बनाते थे उसका। आहिस्ता 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 वो चीज़ जो थी वो तारी होनी शुरू होती थी। वो इस तरह से नहीं होता था कि यकदम आपने कोई चीज़ की और वो एक यकदम हो गई, बल्कि मुख्तलिफ़ वो स्टेजेस से गुज़रता था और मुख्तलिफ़ उसके दर्जे थे और उस दर्जे से वो जो एक बुनियादी कैफियत थी उस कैफियत में शिद्दत पैदा होती रहती थी और उसके बाद आखिर में जाके लय बहुत चढ़ जाती थी और उसका एक तरह से क्रिसेंडो होता था और उस क्रिसेंडो के बाद हम कहते थे अब परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई। फिल्मी गाना आप देखते हैं या गज़ल है, मतलब लोग फिल्मी गाने पे इतनी मेहनत करते हैं, उसकी पोइट्री लिखवाने के लिए, तर्ज बनाने के लिए बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर ढूंढते हैं, वो मेहनत करके तर्ज बनाते हैं। हमारे एक मौसीकार थे मास्टर अब्दुल्ला, एक गाना मुझे उनका याद आ रहा है जो रस से भरा हुआ है। पतड़ चना दे जंगल वेले मजियां देन दुहाइयां, अब दुहाइयां देखे तो खामोशी से दुहाई नहीं होती, दुहाई लाउड होती है। उसने सुर की सिलेक्शन भी इसी तरह की। Yeah।
کلاسیکل میں گائکی میں راگ میں لوگ ایسے پیا گھر آئے گھڑ لیا, آگے کہاں سے آئے کوئی پتہ نہیں. وہ یہ ساری چیزیں مل کر کہ نہ اس استائنترے میں کوئی جان ہے, ہونا یہ چاہیے کہ تانے خوبصورت بنا کر لائیں, بے جا بے ہنگم گھمکوں سے وہ کو بچیں, وہ تو پرہیز کریں. میں تو خوبصورت گمک ہو بھی تو اس کو خوبصورت ہو, تانوں کے مختلف کمپوزیشن بنا کے سرگموں پلٹے کے جیسے بڑے غلام علی خان پلٹا کرتے تھے, لوگوں کو اچھا لگتا تھا. امیر خان صاحب کا سرگم پلٹا تان جو ہے لوگوں کو اچھی لگتی تھی, اس کو سامنے رکھ کر کچھ بنائیں اس کی بجائے بے ہنگم قسم کی تانے, وہ لوگ ہنسنے لگتے. یہ تو لڑائی ہے. تو لوگ اسے ڈر ہی سکتے ہیں, اس کا مزہ نہیں لے سکتے. گانے کو خاص طور پہ کلاسیکی موسیقی کو اس طرح سے دیکھنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ اس میں تیاری کتنی ہے, یہ کتنی تالوں میں گا سکتا ہے اور کتنی تالوں میں کس طرح کی تہائیاں مار سکتا ہے. یہ سب چیزیں جو تھیں یہ جو تھی جو ایویلیویشن تھی اس کی ججمنٹ جو تھی میوزیکل پیس کی اس میں یہ چیزیں جو تھیں یہ زیادہ اہم ہو گئیں. تو لہٰذا وہ تاثیر کا جو اور جو اثر کا اور جو رس کا جو ایک اوورویلمنگ فیکٹر تھا پہلے یا وہ ڈٹرمننگ فیکٹر تھا, وہ ڈٹرمننگ فیکٹر نہیں رہا. گانا جو ہے پچھلے 20-25 سال میں اس طرح کے 20 یا اس سے بھی زیادہ 20-30 سال 40 سال میں اس طرح کا گانا جو ہے ہو گیا. عبد الوحید خان صاحب نے کام تو اچھا کی کرا, کو سسٹمیٹک بڑا, لیکن اس میں ایک بوریت بڑی پیدا ہوئی کو نیرے سا نی سا رے سا سارے سا نی سا. اب وہ 3 سروں میں 24 سر بڑھائے, آگے وہ نی تک 5040 ہو گئے, اس میں سے کمبینیشن ڈھونڈتے بھی وہ راگ کوئی ایمن ہی پھیل گیا کوئی 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے, لیکن اس میں اثر کوئی نہ کرو. مطلب راگ میں اثر تبھی تھا کہ لوگ بہلاوا کہتے تھے اور وہ اپنی مرضی کا مطلب سیکھنے کے بعد جو فلم دی بہلاوے اترتے تھے اس میں ایک اثر ہوتا تھا. among
वो दुआई ना बिछड़न यार कहीं दे। एक शर्त इसकी ये है कि जो सुनाया जाए वो साफ वाजे, उसके बोल साफ सुथरे होने चाहिए, समझ में आने चाहिए कि गवैया क्या कह रहा है। मेरे ख्याल से ये भी रस में मदद देता है। अगर इसको मैं इस तरह कह दूं, ओ जो ना जाए तो जाजे हो ना आए तो कुछ कुछ भी नहीं है ना। अज न आए बाल मुआ मोहे देखे बिन कल ना पड़त दिनवा। मैं ये देख के हैरान हुआ हूँ कि जो अच्छे गायक हैं इस वक्त जो ख़ानदानी सीखते चले आ रहे हैं, जिस तरह रुस्तम फ़तेह अली ख़ान है, हामिद अली खान साहब के बेटे हैं, मैंने उनकी परफॉर्मेंस सुनी और बहुत ही हॉरेबल एक्सपीरियंस था। यानी कि मुझे तो कहीं किसी तरफ से वो म्यूज़िक नहीं लगा, मुझे तो ये लगा कि जैसे वो जंग हो रही है। जिस मौसीकी को हम कहते हैं जिसमें रस नहीं है, जिसमें सोज नहीं है, जिसमें गुदाज नहीं है, तो ये तो सारी ज़िंदगी का एक अमल है जिसके बाद ये चीज़ें सीखी जाती हैं और ये आपकी करेक्टर का हिस्सा बन जाती हैं। तो अब तो कोई वक्त देने के लिए तैयार नहीं है, अब तो किसी के पास इतना, अब लोग इसको पार्ट टाइम के तौर पर ज़रूर हमारी सोसाइटी में पार्ट टाइम के तौर पर लेते हैं या फैशन के तौर पर लेते हैं। मौसीकी को अपनी ज़िंदगी देने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, और जब ज़िंदगी देने के लिए आप तैयार नहीं होते तो मौसीकी भी अपना रस जो है इन लोगों पर खोलने के लिए तैयार नहीं है। टेम्पो फास्ट होने से सुर फास्ट हो गया तो लगाव कम हो गया। उसका मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि तुझसे प्यार करूँगा, मेरा गाना गाया हुआ, तुझसे प्यार करूँगा जब तक है सांसों का बंधन, जब तक है सांसों का बंधन ये इकरार करूँगा, तुझसे प्यार करूँगा, तुझसे प्यार करूँगा। अब ये हो गया फास्ट टेम्पो, फास्ट सुर, लगाओ इसमें बहुत कम। मैंने सुना है कि बड़े गुलाम अली खान साहब जानवरों से ज्यादा परिंदों की आवाज के साथ रिलेट किया करते थे, और उनके गाने में वो बारीकियां मौजूद हैं जो कि आप अगर सुने तो आपको एहसास होता है कि न्यूएंसेस जो हैं मौसीकी के किस खूबसूरती से उन्होंने अपने गाने में समोए हैं।